अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफ़ी। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वज़ीर आज़म ने एक कोहेसिव पॉलिसी दी जिसमें पोल्यूशन को कम करना, ग्रीन एंड क्लीन इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना और उसके साथ साथ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आगे बढ़ाना, ताकि पोल्यूशन को रोकथाम के लिए दो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं। एक तो ओवरऑल इन्वायरमेंट के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए प्लांटेशन को प्रमोट करना, तो बिलियन ट्री सुनामी का इनिशिएटिव लिया, उसको खुद लीड किया और उसको पेनेट्रेट किया थ्रू आउट द पाकिस्तान, तो दैट वाज फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इन द हिस्ट्री। सेकेंडली, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक बहुत बड़ी कमी थी, ख़ास तौर पर ऑटो पॉलिसी के अंदर। पिछले 50 साल से हमने कंसिस्टेंट देखा था 3 से 4 कंपनीज़ कंसिस्टेंटली एक रेंट सीकिंग मैकेनिज्म के थ्रू आवाम से एक हायर प्राइस चार्ज कर रहे थे व्हीकल्स की, और इंडस्ट्री के अंदर लोकलाइज प्रोडक्शन भी नहीं हो रही थी, कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही थी, कंज्यूमर्स को हाई क्वालिटी कार्स भी नहीं मिल रही थी। और इस एक चेन को तोड़ा गया और न सिर्फ ईवी की पॉलिसी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कार्स की पॉलिसी, ऑटोमोबाइल के अंदर उन गाड़ियों को फ़रोग देना, उन ऑटोमोबाइल्स को फ़रोग देना जो कि इलेक्ट्रिक कार्स जिन्हें कहा जाता है और इलेक्ट्रिक के थ्रू चलती हैं, उसकी तरफ भी लेकर आए, और ऑटो इंडस्ट्री को खोल दिया गया थ्रू नई पॉलिसी ताकि नए ऑटो मेकर्स पाकिस्तान में दाखिल हों। और कंसिस्टेंटली हमने देखा ईवी पॉलिसी के तहत अभी भी 3 न्यू लाइसेंसेस हैव बीन इशूड, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप जो कि पॉल्यूशन को कम करेगा ऑन वन साइड के इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट लेकर आएँ, ऑन दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए, ओवरऑल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस को डिक्रीज करने के लिए एक जामे पॉलिसी आने वाली है, जिसके बारे में अभी रिसेंटली हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आज प्रोग्राम में बहुत इन डेप्थ डिटेल करेंगे, उसके साथ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे तजिया करेंगे। हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं, मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूँगा। डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं, फॉर्मर SVP हैं FPCCI के, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टेक्सटाइल सेक्टर पर गहरी नज़र रखते हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री की पल्स पर अगर पाकिस्तान में कोई गहरी नज़र रखता है, ही इज़ वन ऑफ देम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में शामिल। बहुत शुक्रिया, सच अ काइंड वर्ड्स। देन सेकेंडली हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अथर अहमद साहब, जो कि मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, खास तौर पे इंटरनेशनल मार्केटिंग के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आपको इंटरनेशनली अपना इमेज बेहतर करना होगा, मखसूस इस टॉपिक के ऊपर इनसे भी डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस रिसेंटली, आपने देखा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी मोमेंटम चल पड़ा है, बैंक्स में फाइनेंसिंग भी अवेलेबल हो गई है, ओवरऑल अभी भी 200 के लगभग प्रोजेक्ट्स सिंध गवर्नमेंट के ऊपर इल्तवा का शिकार हैं कि उनको अप्रूवल देना है, इसके बावजूद भी एक्टिविटी हैज़ बिगन। ओवरऑल प्राइसेस हाउसिंग की और खासतौर पे प्लॉट्स की प्राइसेस सबर्ब्स में इंक्रीज़ हो गई हैं, क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होने वाला है और ओवरऑल पॉलिसीज किस तरीके से शेप अप हो रही हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जौहर अली कंधारी साहब, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं काटी के। बहुत मुश्किल सर प्रोग्राम सामने का। देन वी हैव विद अस जुहेर अली खान साहब, जो कि ऑटो सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, खास तौर पे आपने रिसेंटली देखा है कि इलेक्ट्रॉनिकली या ऑनलाइन प्रमोशन के थ्रू अब बहुत सारी ऑटो मेकर्स के बारे में इंडिपेंडेंट रिव्यू आना शुरू हो गए हैं, जिसमें 2-3 इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, इनकी कंपनी इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी जो कि ऑटो सेक्टर पे इंडिपेंडेंट रिव्यूज़ देती है। इनको आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है, ऑटो नॉच के ओनर जुहेर अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं, व्हाट इज़ योर क्रिस्प एनालिसिस कि ये ऑटो पॉलिसी को आप किस तरह देखते हैं? एक चेन तोड़ी गई है जो पाकिस्तान के आगाज से लेके वो 1947 से अब तक कायम थी। हिस्टोरिक डे, क्योंकि ये जो चंद कंपनियां थीं, मेनली जैपनीज कंपनियां थीं, उन्होंने अपने 4-5 कंपनियों को, रिश्तेदारों को इजाज़त दी हुई थी, और कोई दूसरी कंपनी किसी और दूसरे मुल्क की, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, फ्रेंच हैं, रेनॉल्ट हैं, सिट्रोन हैं, पीजो हैं, कोरियन, किया, ऑडी और बहुत यूरोपियन ब्रांड्स हैं, किसी को नहीं आने दिया था। बल्कि सुमसोई इतने पॉजिटिव थे कि इनकी यामा मोटरसाइकिल बाद में आई तो उसको भी चने उन्होंने चनवा दिए थे। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह से हमने काफ़ी पूछ किया था। सवाल ये कि क्या इश्यूज़ थे? इश्यूज़ ये थे कि इन्होंने प्रोडक्शन दबा के रखी हुई थी, 3 लाख तक प्रोड्यूस कर सकते थे गाड़ियाँ, 1,64,000-65,000 से ज़्यादा नहीं गए, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ थी इनकी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो मार्केट में डिमांड आएगी, डिमांड के ऊपर इनकी ऑन मनी चल गया था, 8-8 लाख, 9-9 लाख, कहीं कहीं पे 12-12 लाख रुपए ऑन मनी था। तो 55 लाख की अगर कोई गाड़ी फॉर्च्यूनर या 65 लाख की, उस पर अगर आप 12 लाख रुपए वो दे रहे हैं 20-25%, मैं तो कहता हूँ
इतना बड़ा दिल चाहिए काइबोर प्लस पे फिक्स इनकम रिटर्न नहीं, वो बात में आएगा। तो पहली चीज तो ये है कि इन्होंने ऑन मनी मार्केट में ऐसी थी। तीसरी चीज ये थी कि ये एडवांस अप फ्रंट ले लेते थे 100% 80% 70%। तो इनके पास कैश फ्लो की जरूरत ही नहीं थी और वो आदमी बेचारा दुआएं करता था उठ के कब मिलेगा। तीसरी चीज जो थी इनकी वो ये थी कि इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं करके दिया। हमारी जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के साथ इनका एग्रीमेंट्स हुए थे वो सबका ये था कि वैल्यू एडिशन करेंगे 30% और हम रीजन में एक्सपोर्ट भी करेंगे अपने ब्रांड्स को जो रीजन में मुताबिकत रखते हैं। इम्पोर्ट नहीं किया उन्होंने, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का था कि हम अब गेयर बॉक्स भी यहाँ बनाएंगे लेकिन वो गेयर बॉक्स भी वहाँ से आ रहा है। तो ये सब चीज़ें थी लेकिन अल्लाह ताला का इतना करम, और कर्म जो हुआ वो ये हुआ कि एक बोल्ड पॉलिसी आई, ये सब चीज़ें एड्रेस हुई हैं जो मैं आपसे कह रहा था। एड्रेस किस तरीके, उन्होंने कहा जी अगर आप 60 दिन से ज़्यादा गाड़ी नहीं देंगे तो कैबर प्लस 3.5% आप देंगे, 7.5% जो है वो कैबर है, 3% वो है, तो आपको 10.5% आपको मिलेगा। उन्होंने कहा 20% से ज़्यादा आप फ्रंट आप एडवांस नहीं ले सकते, सही ना। वैल्यूडिशन में भी उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं और उन्होंने छोटी गाड़ी की मेरी गाड़ी का जो पहली बार ओन करना चाहते हैं गाड़ी उनके लिए, उन्होंने क्या करा है कि 100% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी 850 और 1000 सीसी तक के, और उसके ऊपर वालों में 50% कम करी। सेल टैक्स में भी कमी हुई है, कस्टम ड्यूटी कंपोनेंट्स में कमी हुई, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे उन्होंने हिम्मत करके जिन लोगों ने ले ली थी अब बड़ा क्लियर पॉलिसी हो गई है, वो रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई जो रुकी हुई थी ऑडी वारा की। तो मैं ये समझता हूँ एक पैराडाइम शिफ्ट है, ये वो शिफ्ट है कि अब आप किसी एक के मोहताज नहीं होंगे कि उसने देना है तो मैंने सर झुका के शुक्रिया करके ले लेना है। अब आपके पास ऑप्शन भी हैं, गाड़ी की कीमतें कम से कम जो उन्होंने टेबल दिया है अपनी पॉलिसी में खुसरो बख्तियार साहब ने, वो 1.5 लाख से शुरू हुआ है, वो 3-4 लाख तक रुपए कम होंगे प्राइस में। अमूमन ये होता है कि कीमतें बढ़ जाती हैं बजट के बाद, पहली बार हुआ है इस बार बजट में कीमतें कम हुई। तो मैं ये समझता हूँ आखिरी जुमला कि इट वाज लॉन्ग ओवर ड्यू, बड़ी बोल्ड इनिशिएटिव है क्योंकि उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग थी। पॉलिसी का आना और उस पर अमल दरामद होना बहुत हिम्मत की बात होती है। तुम अल्लाह ताला का करम है कि हिम्मत करी, एक इनिशिएटिव्स लिए और दे हैव एड्रेस ऑल दोस इश्यूज जो एक गरीब आदमी को गाड़ी लेने में आते थे अफोर्डेबल जो गाड़ियां नहीं। आई थिंक बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस। अच्छा साहब, डू यू अग्री विद डॉक्टर साहब? देखिए 100% एग्री मैं करूंगा, बिल्कुल डेफिनेटली। प्राइस रिडक्शन की बात की है ना आपने, कोई 1,04,000 से लेके 1,42,000 तक कीमतें कम हुई हैं जो बिलो 850 सीसी गाड़ियां हैं। तो जो हमारे पास एक निचले तबके के लिए और इनिशियल जो लेने वाले हैं उनके पास यही गाड़ियों की मेजॉरिटी रहती है। इसके बाद अगर इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो 1,12,000 से 1,86,000 रुपये तक के कीमत में कमी आई है। तो अब इसी तरह ठीक है, ऊपर 1800 सीसी और अबव 2000 पर भी कमी हुई है और ज़ाहिर है उसका प्रोपोर्शन भी इससे ज़रा ज़्यादा बढ़ा है। तो गाड़ियों की कीमतें तो ये अब हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं महंगाई की, नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है 100% अफोर्डेबिलिटी नहीं, तो एटलीस्ट इसमें एक सपोर्टिव रोल तो गवर्नमेंट ने प्ले किया है ना इसमें कि इतनी कीमतें कम हुई हैं। और 1000 सीसी इनफैक्ट अब हमारी उम्र के लोग जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि अगर हम चलाने वाले छोटी ही गाड़ी चलाएं, ज़रा शहर में कंजेस्टेड एरियाज में ज़रा कंफर्टेबल रहती है। तो अब वो जो 1000 सीसी तक की गाड़ी हैं उसमें ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी उसमें वो तो एबॉलिश हो गई है, फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स था ये बहुत रिड्यूस हो गया है, फिर इसके बाद सेल्स टैक्स भी कमी हो गई है, ड्यूटीज और सेल्स टैक्स में आई थिंक ओवरऑल बहुत ही एक्सटेंसिव आप समझते हैं कि अब 30% टारगेट है कि पहले जो 80s में जब सुजुकी आई थी तो उसमें डिलीशन प्रोग्राम और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बताने की जरूरत नहीं है ओवरऑल वो डिलीशन प्रोग्राम भी में चीट हुआ, अमल नहीं हुआ और जो हुआ जितना वो भी चीट में हुआ। तो डिलीशन में अब आपके ऊपर पाबंदी है कि इतने आप लोकली में, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बेग साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पार्ट्स बनने में पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, अगर आगे नहीं है तो पीछे भी किसी से नहीं है, और हमारे पार्ट्स एक्सपोर्ट भी होते हैं ऑटो पार्ट्स, और हमारे पास बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स इसके मौजूद हैं। बहुत ही एक्सटेंसिव आपने बताया, इसी को मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। सर आप थोड़ा सा ओवरऑल कनेक्ट करें ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, इजंट इट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि किसी एक सेक्टर पे फोकस ना करें, इन्होंने 2-3 बड़े सेक्टर्स पे फोकस किया, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल सही बात है, ये जो इस बार पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की खासतौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से, जो एक्सपर्ट्स की बातें आ रही हैं कि
छोटी गाड़ियों पर उन्होंने जैसा कि FED कम किया और इसमें वैल्यू एडिशन VAT ख़त्म किया और जैसा आपने कहा कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी के ऊपर रिलीफ दिया है, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल जो छोटी 800 गाड़ी CC या 1000 CC तक के जो गाड़ी लेने वाला है ये मासिस के लोग हैं, ये हर आदमी की ज़रूरत है, तो उसमें अगर 1.5-2 लाख रुपये का भी फ़र्क पड़ता है तो उनके हिसाब से एक बहुत बड़ा फ़र्क बनता है और जनरली और है बड़ा फ़र्क भी, और इसमें तो अगर 1800 और 2000 CC की गाड़ी के ऊपर ही फ़र्क पड़ा है, ओवरऑल पूरा का पूरा मैकेनिज्म चेंज हुआ है और मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम है इस सेक्टर के हवाले से, और ख़ासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के हवाले से जो बात की जा रही है वो तो बहुत ही मतलब एक फ्यूचर है और आगे चल के ये कुछ होने लगे। मैं इसमें एक बात और थोड़ा सा कहते चलूँ कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तो डेफिनेटली फ्यूचर है, दुनिया में आ ही रहा है और हमारे पास तो खासतौर पर जरूरत है, हमें थोड़ा सा इस सेक्टर पर ये भी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी कि हम गाड़ियाँ तो इलेक्ट्रॉनिक बना भी लेंगे, उसको बहुत ज़बरदस्त पैकेज दिया है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम दिया है, इम्पोर्ट के ऊपर भी बहुत इंसेंटिव दिया है कि जो गाड़ियाँ 4-4, 5-5 करोड़ रुपये की हैं वही गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक में आप लेने जाएँ तो आज 1.5-1.25 करोड़ रुपये में मिल जाती हैं, लेकिन सवाल ये कि उसको चलाने के लिए भी हमको फिर एनर्जी चाहिए ना, अगर इलेक्ट्रिक ही नहीं होगी तो ऐसा ना हो कि जैसे मैंने एक जगह एक तस्वीर देखी थी कि आगे गाड़ियाँ तो भरी जा रही हैं इलेक्ट्रिक से, उनको उनका फ्यूल दिया जा रहा है लेकिन पीछे जनरेटर जो है ना पेट्रोल डाल के चलाया जा रहा है, तो अगर वो चीज़ पे हम फोकस ना करें, हमें रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा इन गाड़ियों के लिए, तो ओवरऑल एक पूरा सिस्टम गाड़ी ही मंगाना पावर हल नहीं है पूरी चेन में। अब एक वही हाल होगा जब पीछे माजी में ऐसा हुआ था कि हमने जो है ना प्रोडक्शन रिकॉर्ड हुई है अभी रिसेंटली पावर की, बट लेकिन जो सर्कुलर डेट के मसले हैं वो टू मेक इट अफोर्डेबल है। माजी में ऐसी हुआ ना कि हमने जब कंज्यूमर फाइनेंसिंग दी एक दौर में और घर घर हमने TV फ्रिज इंस्टॉलमेंट पे और मुख्तलिफ पैकेज से बैंकों ने दिया, लोग ले तो आए लेकिन चलाने के लिए बिजली नहीं थी, बिजली बंद हो गई, तो ये इसके साथ साथ जो इसकी मेन सोर्स है। यू हाईलाइटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के सिर्फ सप्लाई साइड के ऊपर गाड़ियां लाने के साथ साथ आपको बैकेंड साइड पे उसका जो की फ्यूल है उसकी सप्लाई भी मुमकिन आ जाएंगी मेजोरिटी, आज नहीं 5 साल बाद 8 साल बाद 10 साल बाद, तो इसके पेट्रोल पंप जो होंगे या जो इसके फ्यूल स्टेशन होंगे या फिलिंग स्टेशन होंगे वो भी जगह जगह लगेंगे ना। अब वो राइट से बात है अर्बन एरियाज में जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर आप थोड़े से देही इलाकों में जब चले जाएंगे बहुत ही ग्रेजुअल होगी, हाइब्रिड पे शिफ्ट होंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। इस डिपेंड के गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेके आती है, अगर कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया जाए तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरत हमेशा की रिसेंटली इमरान खान साहब ने मोटर बाइक का उन्होंने किया है ई बाइक के ला रहे हैं, तो गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमारी हैवी व्हीकल्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होती हैं वो भी इस पे आना चाहिए। असल तो चीज़ देखें, अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट हमारी इंडस्ट्री पे आएगा आगे चल के। ठीक है, आई थिंक बहुत ही की पॉइंट्स हाईलाइट किए जुहैर। आप चूंकि आवाम से बड़े कनेक्टेड हैं, आप रिव्यूज़ करते हैं गाड़ियों के और आप बताते हैं आवाम को कौन सी गाड़ियाँ बेहतर हैं, पॉलिसीज कहाँ शिफ्ट हो रही हैं, आवाम का रिस्पॉन्स क्या है रिसेंटली जो ऑन फ्लड हमारा फ्लड देखा है गाड़ियों का जो आया है और प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं और अफोर्डेबल हुई हैं, व्हाट्स योर फीडबैक? अच्छा देखिए मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूं पहले बाकर। देखें जो ADP थी 2016 से लेकर 2021 तक की, उसके अंदर हमें ये इंसेंटिव दिया गया नए मैन्युफैक्चरर्स को जो अपने प्लांट लगाना चाहते थे कि वो ड्यूटी फ्री अपना इक्विपमेंट इम्पोर्ट करें, सही है, और जो गाड़ियाँ वो मैन्युफैक्चर करेंगे उस पर उनको 50% जो पार्ट्स मंगवाएंगे 50% ड्यूटी कर दी जाएगी उसके ऊपर, ठीक है, तो एक बेनिफिट ये था। दूसरा बेनिफिट ये था कि वो 200 यूनिट CBUs के इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है, और उस पर भी ड्यूटी कम थी, तो इस तरह जो था गवर्नमेंट ने इनको फैसिलिटेट किया था 2021 जून तक। अब जो हमारी नई पॉलिसी आनी है, जो अभी तक पॉलिसी का एक ओवरव्यू अनाउंस किया है जिसमें ज़्यादातर सेल्स टैक्स रिडक्शन हैं, पॉलिसी अभी अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है ना, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। उसके अंदर हमें देखना यह है कि जो मैनुफैक्चरर्स एग्जिस्टिंग आ गए, गवर्नमेंट ये देखती है कि ये पॉलिसी ऐसी ही रहेगी और नए मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करेगी, और या फिर जो एग्जिस्टिंग आ गए उनको प्रोटेक्ट करेगी, सही है, ठीक है ना। सो इन दो में से देखते हैं कि हम गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है अपना। उसके अलावा जो फ्लड आया गाड़ियों का, ये हमने देखा कि 2016 से पॉलिसी शुरू हुई, उसका इम्पैक्ट आया 2020 में 21 में, किया आई, होंडा आए, MG आई, सही है ना, तो बहुत नोटिस हुआ गाड़ियों का, लेकिन हमने देखा कि डिलीवरीज गाड़ी की टाइम पर नहीं हुई, बुकिंग सब ने करवाई ड्यू टू पेंडेमिक एज वेल, ड्यू टू कंटेनर शॉर्टेज एज वेल, उसके फ्रेट बढ़ गए, सही है, मल्टीपल रीजंस, बट इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है ना। अभी जो सेल्स टैक्स इन्होंने कम किया 800 CC 660 CC गाड़ी पे, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा स्टेप है कि जो फर्स्ट टाइम मूवर है गाड़ी का उसको गाड़ी सस्ती मिलेगी तो वो ज़्यादा ले पाएगा, और दूसरा इस चीज़ को कम करने में एक बेनिफिट ये भी होगा कि जो नए मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे कि हमें छोटी गाड़ी पे फोकस करना चाहिए, सही है ना, ऑल दो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कम है, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो भी एक टारगेट ऑडियंस है। हमने देखा क्रॉसओवर SUV के अंदर बहुत सारा जमघटा लग गया, बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई,
एंड अब एक हमने एक देखा थोड़े दिन पहले लग्जरी सेडान के अंदर एक एंट्री हुई होंडाई सोनाटा की, जो कि खाली पड़ी हुई थी और उसमें सिर्फ हमारे पास 2 CBUs थे जो इम्पोर्ट होते थे रेडी यूनिट्स। अब हम CKD लेकर आएंगे उसके अंदर होंडाई सोनाटा। तो इस तरह वी एक्सपेक्ट के छोटी गाड़ियां आएंगी। एग्जैक्टली, हजार सीसी में भी रिस्पांस क्या है वो थोड़ा बताइएगा आवाम, क्या हाउ इज पब्लिक रिस्पोंडिंग टू दिस चेंज? देखें, पब्लिक इज वेरी एक्साइटेड, ठीक है ना, और ये मेंशन भी किया था उन्होंने कि दे आर टारगेटिंग टुवर्ड्स द डिमांड। जाहिर सी बात है, प्राइसेस कम होंगी तो डिमांड बढ़ती है। 5 लाख तक दे आर एक्सपेक्टिंग के 2025 तक, अगले साल का जो टारगेट है वो 3 लाख का, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग के वो 5 लाख तक चले जाए 2025 के अंदर। बट ये एक्सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है, सही है ना, इसमें एक्सपोर्ट सपोर्ट करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्सपोर्ट सपोर्ट। जी जी डॉक्टर साहब, इसमें पहले जो मैंने आपको इंसेंटिव बताया था उसमें एक चीज रह गई थी कि अब उन्होंने बड़ी अच्छी की है कि ओन मनी को डिस्करेज करने के लिए कि अगर मैं बुक करा के बैठ जाता हूँ और किसी और को मैं बेच के बाद में रजिस्ट्रेशन उसके नाम होती है तो 50,000 से 2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। सही है, तो मैं अगर होल्डर बनता हूँ तो अभी तो मैं फ्री हूँ। सही, अब आगे आपको टैक्स के मद में 2 लाख रुपए तक देना पड़ेगा अगर वो गाड़ी किसी और के नाम आप रजिस्टर करवाते हैं जो बुकिंग पर्सन है उसके बजाय। एक चीज एक्सपोर्ट, देखिए आपका सवाल जो है बहुत ज़रूरी है। मैं मोरक्को गया था एक डेलीगेशन लेके फेडरेशन का, तो वहाँ पे तंजीर फ्री जोन में हम लेके गए, एम्बेसडर जो पाकिस्तान के थे वो भी हमारे साथ थे, और हमने वहाँ पे देखा कि एक जहाज़ जा रहा है उसमें सेट्रॉन गाड़ियाँ भरती जा रही हैं, जब वो भर गया वो बंद हुआ, सेलिंग हुई, फिर दूसरा आ गया उसमें रेनॉल्ट गाड़ियाँ, तो पता चला है कि इन तीनों गाड़ियों का एक फ्री जोन जो है तंजीर फ्री जोन, वहाँ पे असेंबलिंग प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग, और वो एक्सपोर्ट हो रही है $8 बिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट। आप इंटरनेट पे जाएं तो तंजीर फ्री जोन की थी जिसमें गाड़ियों की मेन एक्सपोर्ट है। हमारे यहाँ चीपर लेबर है, हमारे यहाँ बेस्ट वेंडर इंडस्ट्री है, पूरे पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री ने फ्रोक पाया है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की है, जिसको हम वेंडर इंडस्ट्री कहते हैं कि वो व्हील कैप बना रहा है, कोई डिशबोर्ड बना रहा है, कोई सीटें बना रहा है, कोई टायर बना रहे हैं और लाके उनके स्टैंडर्ड पे देते हैं, वो असेंबल हो रहे हैं। आपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हमने इम्प्लीमेंट नहीं कराई अपनी पॉलिसी, ना हमने उनको डिलीशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कराया जो उन्होंने वादा किया था। अब मैं ये समझता हूँ, अब उनसे कहें कि जी इतने परसेंट आपकी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट है, 30% टोटल आपकी जो प्रोडक्शन वो एक्सपोर्ट होगी रीजन में, वो ब्रांड आप बनाएं, वो प्रोडक्ट बनाएं, वो मॉडल बनाएं जो रीजन की नीड है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट हम कहां से कहां जा रहे हैं, एक ऐसे इंडस्ट्री में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट लेट थी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन लोकल पार्ट्स बने, प्लस फिर आप एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। अच्छा, ऐसी ट्रांजिशन हम देख रहे हैं दूसरी इंडस्ट्रीज में भी हुई है, टेक्सटाइल के अंदर हमने देखा रिसेंटली काफ़ी ग्रोथ हुई है। अगर इसको कनेक्ट करें और थोड़ी सी डिबेट को ओपन करें, थोड़ा कंस्ट्रक्शन की तरफ भी आते हैं। सर, आपकी बड़ी एक्सपर्टीज है कंस्ट्रक्शन के अंदर, एक बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट किया गया कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ के लिए, अब लेटेस्ट सूरत हाल क्या, बिकॉज हमने कहा था कुछ कदगने आई थी इनके अंदर प्रोजेक्ट अप्रूवल के इशू से, अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या, पहले तो वो बताइए। देखें, ये जो रिसेंटली इस गवर्नमेंट में आने के बाद जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया और बहुत बड़ा फोकस किया वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे किया। इसकी यहाँ तक मिसाल है कि कोरोना के बाद सबसे पहले अगर कोई सेक्टर खुला तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर खुला, कि गवर्नमेंट चाहती थी कि इसमें काम हो, जैसे अक्सर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 40-45 इंडस्ट्रीज इससे वाबस्ता हैं, नो डाउट हैं भी। लेकिन इसमें अभी कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी, कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी चीज़ें आती हैं तो उसमें इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगता है, लोगों को समझने में टाइम लगता है, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे कुछ खौफ की फिज़ा में भी रहे हैं कि वो कुछ चीज़ों पे अभी भी थोड़ा सा डर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक एमनेस्टी स्कीम जो उन्होंने दी थी वो 30 जून को ख़त्म हो गई है, उसको मैं कहता हूँ कि ये पुरजोर मुतालबा है हमारा कि उसको एटलीस्ट 1 साल के लिए और एक्सटेंड करें। लोग उसको समझ ही नहीं सके शुरू के 6 महीने में, एक खौफ का, एक अकाउंटेबिलिटी का भी लोगों को खौफ था कि कोई और मसला बाद में ना बन जाए। रिसेंटली मिले भी थे प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम के साथ, अब मिले हैं लोग, आबाद के लोग जाके मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हर फोरम पर उठा रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा उस पर एक्सटेंशन आया नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था कि अगर गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई है उसका एक मकसद है तो वो हल तो हो ना, हल अभी हुआ नहीं है उस लेवल पर, उस टारगेट पर, उस तरीके, उस नंबर पर लोगों ने बेनिफिट लिया नहीं। सेकेंड चीज़ ये कि इसको देखें, अनफॉर्चुनेटली एक थोड़ी सी बात मगर बोलना चाहिए, फोरम बहुत अच्छा है कि जिस दिन गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया उसके नेक्स्ट डे सीमेंट की प्राइस बढ़ गई, और दिसंबर 2020 से जून 2021 तक के जो 6 महीने गुजरे हैं, 6 महीने में खाली स्टील की, सरिये की प्राइस 30,000 रुपये टन बढ़ी है।
मई और जून में 10,000 रुपए टन उन्होंने कोल प्राइस का इंपैक्ट पास ऑन किया है। इंपैक्ट हर चीज का ऐसे तो स्टील वालों के पास भी रीजन है कि वो क्यों बढ़ाए, लेकिन सवाल ये है कि देयर इज सो मच डिमांड देयर, इफ द डिमांड गोज डाउन देन यू कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस। आपको अगर इस पॉलिसी को कामयाब रखना है तो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को आपने बनाना होगा। अगर अच्छा मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने 4-5 करोड़ रुपए का फ्लैट या घर बनाना, उसको शायद ये 10-20 हजार रुपए टन की कॉस्ट इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जिसने फ्लैट ही 25-30 लाख रुपए का खरीदना है, 7,800 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना है, एक ये दो कमरे का घर 3 साल की किस्तों पे 25-30 हजार रुपए दे के लेना है, वो नहीं ले पाएगा ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग की जो फिजिबिलिटी थी बिल्डर्स के लिए वो थोड़ी सी मुतासर हुई है, बिकॉज स्टील और सीमेंट दोनों एक बड़े कंपोनेंट की प्राइसेस जैक अप हुई। एग्जैक्टली, ये बेसिक है, देखिए इसमें आप कमी नहीं कर सकते। अगर आपको टाइल लगाना है तो आप हो सकता है उसमें थोड़ा बी की जगह सी ग्रेड के टाइल लगा देंगे, लाइटें हल्की लगा देंगे, लेकिन स्टील का आप जो आर्किटेक्ट आपको देगा उससे आप आर्किटेक्चर से उस डिजाइन को कम नहीं कर सकते, आपको बनानी पड़ेगा बिल्डिंग क्लास करिए। डॉक्टर साहब आपका क्या ओपिनियन? जोहर ने बिल्कुल सही कहा कि ये आपको ऐसा था कि जब हम बिल्कुल लॉकडाउन में चले गए थे और हमारी GDP -7 आई थी और जॉब्स -0.7 तो ये बड़ा टाइमली एक पैकेज दिया था और ये बड़ा डिस्कस करके दिया गया था, लेकिन इसमें एक तो ये रहा कि जो इंसेंटिव्स थे जिसमें सोर्स ऑफ फंड्स नहीं पूछी जाएगी वो 30 जून को ख़त्म हो गया है। मैं समझता हूँ कि इनके पास IMF के कंस्ट्रेन है, मैं समझता हूँ कि इन्हों IMF से इजाज़त लेनी होगी उसको मजीद बढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो पॉलिसी है कंस्ट्रक्शन पैकेज जो बनाया है ये उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकेगा जब तक आप एमनेस्टी की स्कीम को लाइव ना रखें, यानी इसको आपको एक साल के लिए मिनिमम भी दिसंबर 2021 तक आपको करना पड़ेगा, और साथ साथ सूबों में इस तरह के मैकेनिज्म बनाए कि वहाँ पे अप्रूवल्स जो हैं ड्राइंग्स वगैरह, ये तो एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब सही ना, ये चीज ऐसी है कि पता चला कि जी दिसंबर तक कर दिया लेकिन फाइनल के बाद एक बड़ा इशू है, अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो आप उस पीरियड को क्रॉस मतलब कर जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ की गई है, ये मेरी ज़ाती राय है, आपकी राय डिफरेंट हो सकती है, जौहर की अलहदा हो सकती है, कि मॉर्गेज फाइनेंसिंग आज तक पाकिस्तान में नहीं थी। वज़ीर आज़म साहब ने इसके साथ साथ, क्योंकि डिमांड के साथ साथ सप्लाई है, अब सप्लाई बढ़ा दी, डिमांड ही नहीं आगे, मेरे में ख़रीदने की इस्तेआत नहीं है, तो मैं देख के जाऊँगा और बड़े अच्छे हैं बोल के निकल जाऊँगा। अब उन्होंने क्या करा, मॉर्गेज पहली बार पाकिस्तान की तारीख में 5-7% इंटरेस्ट के ऊपर 330 अरब रुपए बैंकों ने मुख्तस कराए हुकूमत अभी में। इसके ऊपर और आप ये नहीं देंगे तो पेनल्टी होगी आपकी, बिल्कुल बैंक से जा रहा हूँ। पहले ये बेचारे फैमिली जाती थे और मिलते नहीं थे, आज मैं फॉर श्योर जानता हूँ बैंक मैनेजर बैंक ऑफिसर कहते हैं सर आपको लोन लेना, तो आए बैठे चाय पिए और फिर हम आपको बना के देते हैं, इसका मोड ऑफ पेमेंट्स क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, कामयाब जाएंगी, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम दे और वहाँ समझाया जाए, और बैंकों में जब तक मॉर्गेज फाइनेंसिंग में डिसबर्समेंट उसको नहीं होगा जब तक, तो ये स्कीम ठीक है। मैं डॉक्टर अच्छा साहब आपका क्या ठीक है, आपने देखा दो ऑटो पे भी डिस्कशन देखी है आपने, आप कंस्ट्रक्शन पे भी देख रहे हैं कि मोमेंटम स्ट्रांग है, बट राइट इन द मिडल व्हेन हम देख रहे हैं कि 1.8 मिलियन एलिजिबल इन्वेस्टर्स की एप्लीकेशन लगी हुई हैं, उस वक्त यहाँ पे आके इसको बॉटल नेक नहीं होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? देखिए बात, यू आर राइट, आई डू एग्री विद योर पॉइंट। ये दो सेक्टर्स में पहल क्यों हुई, सबसे पहले तो आप ये देखें, लेकिन इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी ये है कि ये दो सेक्टर्स, जैसे अभी जौहर साहब ने कहा है ना कि एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर और दूसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज बहुत सारी एलाइड हैं, एक सीट बनाने वाला, एक वायरिंग हार्नेस बनाने वाला, और ये इस तरह के बेशुमार हैं सारे, और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन में कहते हैं ना 40-42 सेक्टर्स काम करते हैं, तो जब इतने सेक्टर्स हैं अब इनसे अगर पहल हुई है तो देखिए आप 100% एक्यूरेसी अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा गलत भी करते हैं हम, कि हमें थोड़ा सा प्रोविजन ऑफ एरर और प्रोविजन ऑफ का मार्जिन हमें हर जगह देना चाहिए। ये सेक्टर्स में ओवरऑल जब काम हो रहा है ना, इसके बाद अगर देखेंगे ना तो ये जो छोटी इंडस्ट्रीज, और जैसे बेग साहब पढ़ा सही इस वक्त कह रहे हैं ना कि ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग, फिर ये हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज है ना, ये अगर आपको याद हो कि वो ग्रामीण बैंक का जो पॉलिसी थी ये कुछ उसके करीब करीब आ रही है, जो थी बांग्लादेश के जो नोबेल प्राइज विनर थे इकोनॉमिस्ट, तो ये जो फाइनेंसिंग का जो बात करें ना, तो इसमें अगर वो फाइनेंसिंग हो जाए ना तो फिर तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर और फिर हमारे ये सारे सेक्टर्स दे कैन ग्रो लाइक एनीथिंग।
फिर सारे ये ड्रीम्स आपके पूरे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आई थिंक व्हाट वी बिलीव राइट नाउ इज कि जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को कम रखना, एक्सेसिबल बनाना लोगों तक, और बैंकों को ये लागू करना कि वो फाइनेंसिंग दें, अल्टीमेटली लेटर ऑन लॉन्ग रन में ये ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को कम रखेंगे ना, तो अपेरेंटली इमीडिएटली तो ये नजर आएगा कि क्यों गवर्नमेंट अपना नुकसान कर रही है। सही, ये गवर्नमेंट का नुकसान तो आज कल का है, लेकिन हम आगे आने वाले 10 साल 20 साल का अगर हम देखें तो इट्स बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये पॉइंट में जुहैर के सामने भी रखूं, जुहैर ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ में भी कार फाइनेंसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जितनी भी इमर्जिंग या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तकरीबन लगभग 300 अरब रुपए से ज़्यादा की फाइनेंसिंग कार फाइनेंस जो जितनी कंस्ट्रक्शन को दे रहे हैं उससे ज़्यादा ऑटो में हो गई है। व्हाट इज़ योर टेक कार फाइनेंसिंग करो? देखें, कार फाइनेंसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने ये देखा कि पिछले सालों के अंदर एक ऑल्टो आती है 12 लाख रुपए की, जो आज 17 लाख रुपए पे चली जाती है, तो वो तो नॉर्मल इंसान की रेंज से बाहर है। जो मिडिल क्लास पर्सन, एक बंदा काम कर रहा है, इसकी 50-60 हज़ार रुपये सैलरी है, तो ही कैन नॉट अप गो फॉर दैट। तो उसके लिए ये जो फाइनेंसिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी लीनियंसी दी जाएगी उतनी ज़्यादा अडॉप्टेबिलिटी बढ़ेगी, एंड जैसी गाड़ियों की प्राइसेस भी कम हुई हैं, फिर बैंक भी पुश कर रहे हैं फाइनेंसिंग के लिए। सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड दैट विल रिजल्ट इन अ पॉजिटिव फ्यूचर। मजीद इसमें ग्रोथ रेट आप कितना समझते हैं? बिकॉज बैंक्स ऑलरेडी बड़े एक्सटेंड कर चुके हैं कार फाइनेंसिंग, बट डू यू फील कि यहाँ से मजीद ग्रोथ इसी रेट पे होगी? ऑफकोर्स होगी, क्योंकि देखें जब आप गाड़ियों की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले जो बंदा लेगा गाड़ी वो मिडिल क्लास लेगा, सुजुकी ऑल्टो जो भी 660 cc गाड़ी आपके पास अवेलेबल है सबसे पहले वो फाइनेंस कराएगा। तो यू विल सी अ डेफिनेट ग्रोथ इनटू द कार फाइनेंसिंग सेक्टर। जी सर, जिस तरीके से हम कहते हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, कि हम अक्सर कहते हैं कि ये मार्कअप जो है सिंगल डिजिट में होना चाहिए, ठीक है, ये और हम अपने कंपेयर करते हैं जो हमारे साथी मुल्क हैं या जिस रीजन में हम काम कर रहे हैं। ऐसी मैं समझता हूँ कि अगर कोई रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं ना ऑटो इंडस्ट्री में, तो आप चाहते हैं कि मासिस तक गाड़ियाँ पहुँचे। देखिए, अमीर आदमी तो ले ही लेता है, वो तो अफोर्ड कर लेता है, उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए गवर्नमेंट को ऐसा। इतनी अब तो कंपटीशन हो गया कि गाड़ी मैं समझता हूँ कि 1 मिलियन की रेंज में होनी चाहिए। एक गाड़ी ऐसी जरूर हो जो 10 लाख के अंदर हो, जो 9,99,000 रुपये की हो। आप देखो तो दो फायदा होगा उसमें, फाइनेंसिंग के लिए बैंक का रिस्क भी कम होगा, वो उसको एक सर्टन अमाउंट के लिए वो फाइनेंस कर सकते हैं। और जो मासिक जो मोटर बाइक पे घूमने वाले लोग हैं ना, वो बहुत बड़ी तादाद जो है, ये गवर्नमेंट का भी, कुशरो साहब की भी स्टेटमेंट से लग रहा था कि उनका भी ख्याल है कि लोग इस बाइक से छोड़ के इस पे आ जाएं, वो मेरी कार या अपनी कार के हिसाब से जो बात हो रही है। तो हमें ना थोड़ा सा एक ऐसा गाड़ियाँ लानी चाहिए, इतना कंपटीशन है, इनको गवर्नमेंट चाहिए कि उनसे कहें कि कम से कम एक गाड़ी ऐसी जरूर, अपनी तमाम प्रोडक्ट में एक गाड़ी ऐसी जरूर बनाएं जो 1 मिलियन के अंदर आती हो, 10 लाख के अंदर आती हो, वो हर एक के लिए अफोर्डेबल हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये पॉलिसी तो लिया है, इसमें टैक्स रिडक्शन भी हमने देखा 17% से 12.5% पे आ गया, FED भी चला गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी चली। जो अब हमें करने की ज़रूरत है इस पॉलिसी के अंदर, वो हमें लगाना चाहिए अपर कैप, ठीक है ना, कि ये प्राइसेस ना जाएं। वरना आज आपने ये टैक्सेस कम करके प्राइस करी है, कल को मैन्युफैक्चरर दोबारा प्राइस बढ़ाने के लिए रेडी बैठा हुआ है, डिमांड इतनी है। एग्जैक्टली, वो पैसे बढ़ाएंगे डिमांड की वजह से, और ये वहीं पे बेनिफिट सारा चला जाएगा मैन्युफैक्चरर को, जो आपने अभी पब्लिक को लेवरेज दिया है, ठीक है। सो इसका हल ये है कि आप एक अपर कैप लगाएं कि 660 cc की कैटेगरी है तो उसकी प्राइस ये होनी चाहिए, 1000 cc है तो मैक्सिमम वो सीलिंग इतनी प्राइस पर टच करेगी। इसमें एक इशू आता है ना कि मार्केट मैकेनिज्म को फिर आप डिसरप्ट कर रहे होंगे इस किसी और मैकेनिज्म के थ्रू लागू करने, बिकॉज आपको पता है हमने पिछले 50 साल में देखा कि कार मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया। जी, तो आपने पहले लिमिटेड सप्लाईज थी, तो आपने भी सप्लाई बढ़ाना, इतना डिलीशन प्रोग्राम को सिंसियरली इंप्लीमेंट कराया, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड भी एक्सटेंड करता रहा, मुस्करा के अनदर 2 ईयर, अनदर 3 ईयर, अनदर 5 ईयर्स, अनदर 10 ईयर्स। लेकिन आई थिंक नाउ जो कंपटीशन हेल्दी हो रहा है, जिसमें दूसरे ब्रांड्स आ रहे हैं, जो नई पॉलिसी आई है, उसमें डिलीशन प्रोग्राम में आप वैल्यू एडिशन यहाँ पर करवाएँ, असम्बलिंग यहाँ पर हो, और साथ ही साथ आप बिल्कुल टाज दें, ये जो आपने मेरी गाड़ी स्कीम आज उस पॉलिसी में बताई गई है, मेरी गाड़ी स्कीम 10 लाख से ज़्यादा नहीं चाहिए, और उस 10 लाख में आपको इंश्योर कराना पड़ेगा, आप कुछ कट करें ड्यूटीज़ लेवीज़ में, ताकि वो मैन्युफैक्चरर्स को बचत हो, और कुछ उनका प्रॉफिट को आप देखें कि हाउ मच प्रॉफिट देखिए उन्होंने इसमें, जो अब तक प्रॉफिट्स रखे हैं वो मैं बतला ही नहीं सका, आप उसकी कोई परसेंटेज प्रोरेटा मैं बतला ही नहीं सकता। तो लिहाजा हमें, जैसे हम अफोर्डेबल हाउसेस की तरफ जा रहे हैं, दूसरा हक है आपका अफोर्डेबल गाड़ी के लिए, मोटरसाइकिलों पे माशाल्लाह हम लोग आ गए, हर घर में
आप देखते हैं यंग जनरेशन जो है जो जॉब वॉब पे जाती है मोटरसाइकिल लेके निकल जाती है, क्योंकि चाइनीज ब्रांड आए दूसरे आए कोलैबोरेशन हुआ है, मार्केट मैकेनिज्म की वजह से प्राइसेस थोड़ी सी। इसी तरह से आपने व्हीकल्स को भी बनाना, और मेरी गाड़ी स्कीम का जो टैग है वो 9999 ही होना चाहिए जो जोहर ने बतलाया, और वो अब 17 और 18 I don't know how does he perceive that tag if he perceives himself to be the car manufacturer. प्राइस कहलाती है। इसलिए कहा कि वो 10 लाख से ऊपर ना जाए। और एक बात और, अब अगर कार मैन्युफैक्चरर के तौर पर सोचेंगे तो फिर then it will be very difficult for you। लेकिन हमने एक मासिस के लिए बात की, और एक और वजह भी है कि हमें गाड़ी अफोर्डेबल बनानी पड़ेगी कि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास है ही कुछ नहीं। लोग जब भी बाइक पे बाहर जो होते हैं लोग आते हैं गाड़ी पार्क करते हैं रेलवे स्टेशन में और फिर ट्रेन में मेट्रो में निकल जाते हैं, यहाँ ये नहीं कर सकते। ये पॉइंट मैं देता हूँ नाजरीन, जब पूरी दुनिया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बनाने में लगी हुई है, जब ट्रेन बसेस को इलेक्ट्रिक बनाया जा रहा है, पाकिस्तान भी उस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि बजाय इसके कि हम लोग साथ साथ में कार्स को अफोर्डेबल बनाएं, हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्डेबल बनाएं। व्हाट डू यू थिंक? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ जब पहले जब इंट्रोडक्शन में कि हमें बेसिकली आने इस तरफ चाहिए ना, कि हमें हमें रोड नेटवर्क अपना डेवलप करना चाहिए, हमें जो हमारी फ्यूल की सप्लाई जो आगे चल के इलेक्ट्रिक होने वाली है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगी ताकि चीज़ें हमारी चीज़ें कामयाब हो सके। वरना और सबसे बड़ा बात यह कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू है, आज आप देखें कि छोटे आबादी में एक बाइक पर 3 लोग घर से बैठ के निकलते हैं, हम खुद बैठे, डॉक्टर साहब भी बैठे, सब लोग माशाल्लाह यहाँ पे बैठे, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, हम कभी भी वहाँ पे अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते, खड़ा करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढते हैं। इतना उनके पास बेहतरीन मैकेनिज्म है, उनके अंडरग्राउंड ट्रेन, मोनो रेल, इस तरीके की चीज़ें, और वो बहुत टाइमली काम करती है और चीप एंड बेस्ट एज वेल। आप बिल्कुल, और यहाँ हमारे पास तो सिस्टम ही कोई नहीं है, तो डेफिनेटली लोग बाइक, आप देखिए एक सिग्नल पर आपकी गाड़ी रुकती है, अगर सिग्नल 2 मिनट के लिए रुक जाए तो आपके सराउंडिंग में तकरीबन 200 मोटर बाइक आ जाती है, वो कहाँ जाएंगे? अच्छा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसकी बढ़ने की वजह ये है जौहर कि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, और फिर लोग मजबूर हुए मोटरसाइकिलों पे जैसे 3 दिन बैठ रहे हैं, कुछ छोटी गाड़ियों पे जा रहे हैं, फिर इन्होंने कुछ पॉलिसी को भी जो बाहर से गाड़ी इम्पोर्टेड हैं वो भी लोकल मैनुफैक्चर के कहने में काफ़ी रिजमेंटेड इनकी पॉलिसीज थी, उसको भी उन्होंने डिस्करेज किया है। तो मैं समझता हूँ आप पहले नंबर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करें, फिर अफोर्डेबल गाड़ी मेरी गाड़ी स्कीम में वो आप करें, एक कम से कम गाड़ी की रेंज भले वो कम से कम सीसी वाली हो, लेकिन वो हम कह सकें कि जी जैसे मकान में वज़ीर आज़म साहब ने टैग लगाए हैं जो और बतलाएंगे तफसील से, और मार्कअप भी तय है 5% और 7% पीरियड भी तय है, इसी तरह गाड़ियों के लिए भी मैं समझता हूँ कैप होने चाहिए। ज़ुहैल आपका क्या पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज जिस तरीके से ग्रोथ, अगर 5-5 लाख गाड़ियाँ हम रोडों पे निकालेंगे अगले 5 साल तक, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ द इकोनॉमी ग्रोज 5% से ऊपर, तो हमारी रोड्स इस काबिल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी साथ ग्रो करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वही है, सबसे पहले हमें उसी के ऊपर काम करना चाहिए रादर देन यू नो मूविंग टूवर्ड्स समथिंग एल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, इसको डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख गाड़ियाँ निकाल दी, वो उन्हीं रोड्स पे यूज़ हो रही हैं और मुस्तकिल रोड्स डैमेज हुए चले जा रहे हैं, तो उतने ही पार्ट्स रिक्वायर्ड होंगे उन गाड़ियों को रिपेयर करने के लिए अंदर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। सो ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है आपकी प्रोडक्शन से भी, और आपकी जो एक्सपोर्ट होगी, जाहिर सी बात है जब एक्सेस पार्ट्स होंगे तभी आप इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे, सब सारे आपकी गाड़ियों में लग जाएंगे यहीं पर, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगी अगर अगर आप खराब रोडें होंगी तो, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। एग्जैक्टली, खड़े हुए रास्ते में सिग्नल बंद है, रास्ते बंद है, आप आधा घंटा खड़े हैं तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। फ्यूल के हवाले से बहुत अच्छी बात करी उन्होंने, तो उसमें यह है कि हम अभी तक एमिशन टेस्ट पर नहीं आए, पूरी दुनिया जा चुकी है, फ्यूल इकोनॉमी हमारी कहाँ चली जाती है। अगर इस पॉलिसी को हम पहले थोड़ा लेकर आते हैं और उसके अंदर हम ये मेंशन करते हैं कि आपने जी फ्यूल एफिशिएंट इंजन लेकर आने, जैसे आज अगर 660 cc की 1000 cc गाड़ी लेते हैं तो वो 16-17-18 किलोमीटर तक एवरेज देती है, जबकि पुरानी सुजुकी ऑल्टो थी उसमें पोटोहार का इंजन लग गया था तो वो तो 10 किलोमीटर से 9 किलोमीटर ज़्यादा का एवरेज, हालाँकि वो इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ी थी। तो इससे भी बड़ा हमारे इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आएगा, जिसमें फिर हमारे पास फ्यूल की जो सब्सिडीज़ हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को बचत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूनिट इकोनॉमिक्स एक मिडिल क्लास की देखनी होगी कि गाड़ी का उसको जो बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ उसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है उसको यूनिट इकोनॉमिक्स से मिलाएं कि उसकी इनकम ग्रोथ जितनी हो रही है उतनी उसके पास गाड़ी अफोर्डेबल है भी नहीं, वरना कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, अच्छा उधार का आपके पास घर भी है, उधार की गाड़ी भी है,
और आपकी पर्सनल इनकम नहीं ग्रो हो रही, तो दैट्स अगेन अ बिग बदलाव कि पाकिस्तान में पहली बार ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग चली गई। दुनिया में आप घड़ी भी लेने जाते हैं ना तो वो भी आप मॉर्गेज कराते हैं, फाइनेंसिंग है ए, उस जो घड़ी करते हैं वहाँ पे आप किस्तें देते चले जाते हैं मरते दम तक। हमारे यहाँ तो ये था कैश से मकान खरीदें, कैश से मकान खरीदें, कैश से मकान आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप उसकी कीमत यहाँ तक। तो ये चीज़ें वो टूल्स थे जो पहले हमने नहीं इस्तेमाल किए, शायद उनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप इनके बगैर नहीं रह सकते। मॉर्गेज फाइनेंसिंग भी इतनी ज़रूरी है, और गाड़ियों के लिए अगर आप ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पहले तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो ट्रैफिक का लोड जा सकता है वो उधर यकीनी बनाएं, बेहतर बनाएं। इन गाड़ियों में जो अफोर्ड कर सकता है वो तो बादशाह है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए मेरी गाड़ी स्कीम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है वो टेक प्राइस हो और उसमें फ्यूल इकोनॉमी भी, आप मैन्युफैक्चरर को दें इंसेंटिव्स। अगर वो एक लीटर में 20 किलोमीटर चलती है आप दें इंसेंटिव्स उनको, आप उसमें टैक्स रिबेट दें उनको, आप दें उसमें एक्साइज ड्यूटी में 3-5% कमी, आप जो पैसे बचा रहे हैं उनको उसके मुकाबले में फर्नेस ऑयल $13 बिलियन आपका पहुंचा हुआ है पाकिस्तान के फ्यूल, और आज प्राइस देखें आप $75 और $80 की तरफ जा रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपको जो हिट लगती है वो 5-6 साल आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। पॉइंट हाईलाइट किया डॉक्टर साहब, ज़रा हमें कनेक्ट कीजिएगा इसको, वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, इस पर ज़रा की इंसाइट दीजिएगा, खास तौर पे उस वक्त जब हम देख रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 24 बिलियन से ऊपर एक्सेस हो गए हैं, ओवरऑल करंट अकाउंट का डेफिसिट भी अब तक कंट्रोल लाया, अब स्टिल देर आर चांसेस कि यहाँ से थोड़ा सा पेट्रोलियम प्राइसेस की बढ़ने की वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा एक डेंट देखें अपने करंट अकाउंट के ऊपर, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन पे IMF के साथ भी मुज़ाकरात अभी भी ऑन ट्रैक हैं, व्हाट डू यू थिंक? देखिए डेफिनेटली ये इट्स अ गुड साइन कि IMF के साथ अभी भी ट्रैक पर हैं। अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें ना कि स्टॉक मार्केट में जैसे कल कोई 800 से ऊपर पॉइंट्स में इजाफा हुआ, ये किस चीज़ की निशानदेही करते हैं, किस चीज़ का ये आउटकम है, ये कि ये हमारे यहाँ के लोगों का, बिजनेस कम्युनिटी का और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। कि अभी जो 5 तारीख को जो दुनिया ने देखा सारा कि गवादर में जितने लोग, और एक तो ये होता है कि गवर्नमेंट का वर्जन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि चाइना में बैठे हुए वहाँ के 12 इन्वेस्टर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट का प्लेज किया है यहाँ पर, तो ये वो चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स का बूस्टअप करती हैं। तो अगर ये ठीक है, करंट अकाउंट का डेफिसिट हमारा सरप्लस में चला गया है, पहले डेफिसिट में था, लेकिन अभी ठीक है, ज़रूरी भी नहीं है कि ये परमानेंट इसी तरह से ऊपर ही जाता रहे, सिचुएशन आ सकती है, फ्यूल बिल में हमें कमी हो सकती है। तो फ्यूल बिल में कमी के लिए जैसे भी आप खंदाई साहब कह रहे थे कि देखिए कोई अपने शौक से अब कितने स्क्वायर फीट की एक गाड़ी होती है उसमें एक पैसेंजर जा रहा है, और अगर उसको हम बस में कैलकुलेट करें तो इतने स्क्वायर फीट में 5-6 लोग जा रहे होते हैं, तो वो कॉस्ट डिवाइड हो गई, फ्यूल डिवाइड हो गया, और इस तरह से सारी चीज़ें डिवाइड हो गई। और अगर के आपके पास अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना काफ़ी हद तक इसके फेवर में है कि हम कर सकते हैं, सड़कें हमें बहुत ज़्यादा चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, लंदन में, जर्मनी में मैंने भी देखी हुई है सड़कें, वहाँ की कोई इतनी चौड़ी सड़क नहीं है। वी नीड टू हैव प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक, ये हमारे मैनेजमेंट इशू से हम इन मसलों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एपरेंटली ये टेक्निकल मसले हैं ट्रैफिक कंट्रोल और ये, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट से अगर हम करें, छुट्टियों के टाइमिंग्स का हम फॉलो करें, सारी दुनिया की खिलकत कराची की क्या है, ये चंद्रगढ़ रोड पर ही होगी, इसको कमर्शियल सेक्टर्स को भी हम स्प्लिट करें हर जगह पे, तो वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट इन आवर सिस्टम। वही की इंपॉर्टेंट है जी, पाकिस्तान का $25 बिलियन एक्सपोर्ट और $55 बिलियन इम्पोर्ट, सही है ना, $80 बिलियन की गुड्स इस कराची शहर की सड़क से जाती भी और आती भी हैं। $80 बिलियन आपका इस सड़क से जो कार्गो जा रहा है उसमें बड़े ट्रेलर्स हैं, बड़े अप कंट्री पूरा इंपोर्टेड मटेरियल यहाँ से जाता है, और अप कंट्री से जितनी स्पोर्ट्स गुड्स हैं वो पोर्ट क्लास ही मुक्के पीटी जाते। तो आपको कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो वर्ल्ड क्लास बनाना है यार, $80 बिलियन की ट्रेड इससे हो रही है, ये आप पैचेस लगा के नहीं चला सकते। फिर आप, यही वजह है कि आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट अप कंट्री से यहाँ लाने की बहुत ज़्यादा है, और वो एक बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं लेकिन अभी तक उस कॉरिडोर पे काम नहीं किया जा सकता। मेरा कहने का मकसद ये है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, नई पॉलिसियाँ आ रही हैं जो कंज्यूमर के लिए भी बेहतर है, गरीब भी उससे उम्मीदें बांध सकता है कि मेरी अपनी गाड़ी होगी और मेरा अपना मकान होगा,
लेकिन इन चीज़ को यकीनी बनाने के लिए, उस पर अमल दरामद करने के लिए आपने साथ साथ सख्त इकदाम करने होंगे, और वो हुकूमत की फिर वो रिट है जहाँ देखने में आएगी। ठीक है जो साहब, आपके फाइनल रिमार्क्स। मैं ये कह रहा था कि मकान के हवाले से थोड़ी बात की, मैं एक चीज़ मिस हो गई हमारी कन्वर्सेशन में। मैं कहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट का विजन है ना कि वो 50 लाख घर की बात हो रही है, या वाकई वो चाहते हैं कि मासिस को, गरीबों को घर मिले। प्राइसेस बढ़ना रॉ मटेरियल की एक अलग इशू है, ठीक है, उसका भी एक मैकेनिज्म है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि रेट प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट के रेट ना बढ़े। लेकिन सबसे बड़ा हर्डल्स हैं जो कि बहुत बड़ा मसला है, वो है इस वक्त उन इदारों का, वो अथॉरिटीज़ का जो एक सख्त रेड टेपिज्म के हिसाब से चल रही है। ना इस जगह की लैंड के जो ऑनर हैं, जो भी इदारे हैं, चाहे वो KDA हो, चाहे वो रेवन्यू हो, चाहे वो बोर्ड ऑफ रेवन्यू हो, चाहे वो KMC, उन दर उसमें से चीज़ें निकल के प्रोसेस हो के आगे जाने में महीने लग जाते हैं। फिर जब फाइनल जब नक्शे और प्लानिंग जो SBCA या अदर रिलेवेंट इदारों के पास जाती है, वहाँ पे 6-6 महीने 8-8 महीने आपके अप्रूवल जब नहीं होंगे, आपकी पूरी फिजिबिलिटी चेंज हो जाती है। अगर आज आपने वर्किंग करके किसी को फ्लैट बेचा हो और 6 महीने में आपका अप्रूवल नहीं आया और स्टील आपका 50-30 हज़ार रुपये टन बढ़ गया, तो बिल्डर कैसे बना के देगा? वो पैसे बढ़ाएगा फिर आगे। तो उसका भी फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बनाना चाहिए जैसे और मुल्कों में। मैं तो कहता हूँ कि 24 आवर्स में आपको अप्रूवल मिलना चाहिए ताकि काम हो। बहुत ही कीन सर, आपके फाइनल रिमार्क्स सर। देखें, रिगार्डिंग द ऑटो पॉलिसी, इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी, एंड आई एक्सपेक्ट के जो पॉलिसी फाइनली अनाउंस होगी वो फिर दोबारा से ऑटो सेक्टर के फेवर में होगी। इधर वो प्रोटेक्ट किया जाए नए इन्वेस्टर्स को आने से, या फिर जो एग्जिस्टिंग आ गए उनको प्रोटेक्ट किया जाए, तो इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी। एंड हम मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा कि इस पॉलिसी से अगर हम आगे 660 cc और छोटी गाड़ियों को और इंसेंटिवाइज कर सकें तो वो बहुत ज़रूरी है। ऑन दैट नोट, ज़ुहैर अली खान, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सईद जौहर अली, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू। डॉक्टर साहब, अगेन इट्स ऑलवेज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। नाज़रीन, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रही। इसका लुब्बे लुबाब ये है कि 1 लीटर में 20 किलोमीटर वाली चलने वाली छोटी स्मॉल कार्स जो हैं उनको एक्सेसिबल बनाना, 1 मिलियन से कम प्राइस टैग पे लाना, दैट्स पॉइंट नंबर वन, और उसमें कंपटीशन क्रिएट करना इस स्पेस के अंदर। अगर आप ईवी की पॉलिसी लाते हैं कि ना कि आप 40-50 लाख की गाड़ियों को ईवी पे शिफ्ट करें, आप ये छोटी गाड़ियाँ जो 20 किलोमीटर से ज़्यादा दे सकती हैं 1 लीटर में और जो अफोर्डेबल भी हैं, उनकी फाइनेंसिंग भी आसान बनाइए और उनमें कंपटीशन क्रिएट किए ताकि दुनिया भर की कंपनीज आके इस सेगमेंट के अंदर ग्रो करें। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से अगर हम 4.8% GDP ग्रोथ करते हैं और 5.6 करते हैं, 6 करते हैं, तो एनीबडी कैन अफोर्ड एक सस्ता घर और एक सस्ती गाड़ी। अगर यहाँ से GDP ग्रोथ रेट डिक्लाइन होती है तो फिर ये दोनों कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की सूरत में खुल के सामने आएंगे। 300 अरब अगेन ऑटो फाइनेंसिंग में चले गए हैं, 300 अरब के लगभग अभी हाउस फाइनेंसिंग में जा रहे हैं। सो अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यहाँ सस्ती छोटी गाड़ियाँ और एफिशिएंट गाड़ियों को प्रमोट किया जाए, जो कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी हम देख रहे हैं। तो नई आने वाली पॉलिसी में इसका एक की रोल होगा। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन जिस तरह बात की, यू हैव टू मेक श्योर कि जो बॉटलनेक्स हैं, आप अच्छी पॉलिसी अनाउंस करते हैं, आप गवर्नमेंट फोकस करती है, बिल्डर्स को इंसेंटिवाइज करती है, एमनेस्टी देती है। जब प्रोजेक्ट अप्रूव होने को जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर उसको 1 साल तक रोक देती है अप्रूवल के लिए, तो अगेन आपकी पॉलिसी भी एक्सपायर हो गई, आपकी कंस्ट्रक्शन का जो प्लान था वो ख़राब हुआ, और उस दौरान स्टील और सीमेंट की प्राइसेस बढ़ गई, तो पूरी फिजिबिलिटी बिल्डर की वो मुतासर हो गई। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सस्ता घर आपको देगा, वो फाइनेंशियली इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं बनती कि वो किस तरह सस्ता घर आपको देगा। सो दैट अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वॉज रेज। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम को ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।